लेकिन ये जो रोड है अभी, ये रोड का नाम है बाजीराव रोड। और आपके लेफ्ट साइड पे देखिए पुणे शहर का सबसे फेमस स्वीट मार्ट चित्र बंधु मिठाई वाले, ओके ऑन योर लेफ्ट साइड। और उसी के बिल्कुल सामने बाजू में ये विश्राम बागवाड़ा, ओके ऑन योर लेफ्ट साइड। और अभी आपके राइट साइड में देखिए, राइट साइड में ये जो राइट साइड में ये जो एरिया है, जो एरिया है उस रोड का नाम है, उस एरिया का नाम है तुलसीबाग एरिया, तुलसीबाग, ओके। ये एबीसी चौक ऑन योर लेफ्ट साइड, ऑन योर राइट साइड दोनों तरफ देखिए लक्ष्मी रोड, ओके। नेक्स्ट पॉइंट चतुर्शी टेम्पल, पापड़ रोड, और एरिया है शिवजनगर। आप लोग नासिक में अगर गए होगे तो वहां पर दो देवी का मंदिर है, वरी देवी और सप्तशृंगी माता, उसी प्रकार का एक मंदिर यहाँ पर है पुणे में, उसका नाम है चतुर्शृंगी टेम्पल, चतुर्शृंगी माता मंदिर। ये मंदिर जो है काफी ऊंचाई पर है, इसको चढ़ने के लिए थोड़ा ज्यादा सीढ़ी है, तो जिसके पैरों में घुटनों में तकलीफ है ऊपर मत जाओ, ओके। जो लोग ऊपर जाना चाहते हैं जल्दी से दर्शन करके बस में वापस आइए, ओके। ज्यादा टाइम नहीं है, ओनली 20 मिनट्स, ओके। जो लोग नहीं जाना चाहते सामने कैफेटेरिया में चाय वगैरह पी सकते हैं, ओके। इंटरेस्टिंग चीज दिखाएंगे आप लोग हमारे पीछे, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं हमारे पीछे, अभी इसके हाइट पे जाएंगे हम लोग, सब कुछ प्रॉपरली दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये हमारे मिस्टर धीरज गुप्ता जी हैं, अभी आ रहे हैं, चलेंगे, ये देख लीजिए आप लोग। तो बाबा साहेब आम्बेडकर म्यूजियम, ये जो म्यूजियम है, ये म्यूजियम सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर एस पी मुजुमदार इन्होंने बनाया। आप सभी लोग जानते होंगे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनको अपने भारतीय संविधान का निर्माता जनक शिल्पकार ऐसा कहा जाता है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महुविज गाँव में हुआ। उन्होंने अपनी सारी शिक्षा यानी कि सारा एजुकेशन अपने भारत देश बाहर से हासिल किया। उन्हें बहुत सारी डिग्री है, बहुत सारे सम्मान, बहुत सारे पुरस्कार मिले, सारे पुरस्कार आप लोग इस म्यूजियम में देख सकते हैं। साथ ही साथ
उनका भारत रत्न इस महान पुरस्कार से भी गौरव किया गया, वो भी आप लोग अंदर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग देखेंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का स्टैचू, उनके जीवन से जुड़ी तमाम फोटोग्राफी, तमाम घटनाएं, साथ ही साथ जनता को दिए गए बहुत सारे संदेश और जिन जिन चीज़ों का उनके द्वारा पर्सनली यूज हुआ है वो सारी चीज़ें आप लोग इस म्यूजियम में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनका वॉयलेट, रेस्टिंग चेयर, ट्रैवलिंग बैग्स, उनके कपड़े, उनके जूते, उनके द्वारा इस्तेमाल किए हुए सारे बर्तन, और उसके बाद में जिस चेयर पर बैठकर उन्होंने घटना लिखी वो चेयर और टेबल, उसके बाद में उनका छोटा सा अस्थि कलश, और जिस बेड पर उनका अंत हुआ यानी कि निधन हुआ वो बेड भी आप लोग अंदर देख सकते हैं। इसे देखने के लिए 50 रुपये टिकट है, 50 रुपीज। ओके, 6 साल से लेकर 12 साल तक जो बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये टिकट है। ये म्यूजियम थोड़ा छोटा है, इसके लिए इसको देखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, ओनली 15 मिनट्स। ओके, 15 मिनट है। ओके, म्यूजियम छोटा है इसके लिए थोड़ा शॉर्ट टाइमिंग है, कम विद इन टाइम इन द पॉसिबल। ओके, फोटोग्राफी आप लोग कर सकते हैं, फोटोग्राफी आपके लिए अलाउड है। ओके, चलिए तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये टिकट है यहाँ का, ये 50 रुपये का 1 पर्सन है। हम लोग 4 लोग हैं, 4 लोग का 50-50 रुपये लगा। ये लीजिए धीरज जी, ऊपर जाने के बाद चप्पल निकालो, ऊपर जाओ, अंदर म्यूजियम है। ये जाएंगे, ये म्यूजियम है, भीमराव अम्बेडकर की सारी चीजें यहाँ पे है। Thank you.
है दत्तवाड़ी, और ये जो रोड है इस रोड का नाम है सिंहगढ़ रोड। ओके, ये जो गार्डन है इसकी टोटल एरिया 10 एकड़ है, और इसे पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जापानीज गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर बनाया। इसके अंदर आप लोग देखेंगे वेरी वेरी ब्यूटीफुल गार्डन, माउंटेन हिल, छोटा तालाब है, तालाब में कलरफुल बीच आप लोग देख सकते हैं। इसे देखने के लिए अबो 3 ईयर सबके लिए 5 रुपये टिकट है, ओनली 5 रुपीज। ओके, 25 मिनट्स का टाइमिंग है। ओके, फोटोग्राफी अलाउड है, अच्छा पॉइंट है फोटोग्राफी के लिए। ओके, ये पार्क है जबरदस्त, ये देशपांडे उद्यान। हाँ, इधर से आएंगे भाई, बास बास लगा है, जरा देखते हैं। हाँ, ये देखो वेलकम, इधर कपूर दुनियादारी पिक्चर नहीं का मराठी की पण शूटिंग झाली। अच्छा, जपान आणि भारताचं मैत्रीचं प्रतीक म्हणून विकसित केलं। अच्छा, जपान आणि भारत हे सलमान खान खरंच आलता का इथं? बाबा दुनिया इसमें निक भाई बताएंगे कौन कौन सी मूवी शूट हुई थी, आप बताइए ना निक भाई। यहाँ पे बॉडीगार्ड मूवी का सीन शूट हुआ था, जो कि सलमान खान गार्डन में, करीना कपूर उसे बात करती है फोन पे वो वाला, और एक मराठी मूवी है दुनियादारी, उसका भी शूटिंग यहाँ पे हुआ है। बराबर, मतलब बहुत सारे मूवीज के शूटिंग यहाँ पे होते रहते हैं गार्डन के अंदर। गणेश मंदिर सारसबाग गार्डन, इस मंदिर में जो मूर्ति उसकी स्थापना गणेश भक्त माधवराव पेशवे इनके द्वारा की गई। इसकी मंदिर की खासियत ऐसी है, इस मंदिर के चारों तरफ पानी है और बीच में मंदिर बना है, इसके लिए तालाब का गणपति ऐसे भी कहते हैं, और उसी के बाजू में पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गार्डन बनाया जिसका नाम है सारसबाग गार्डन। लेकिन ये गार्डन 4 बजे तक बंद रहता है, इसके लिए आपको दर्शन करके गणपति के दर्शन करके 10 मिनट में वापस आना है, इसके आगे अपना लंच टाइम है। ओके, ले लेंगे बस इस वीडियो में दिखाने के लिए। तो दोस्तों, पुणे दर्शन का चौथा पार्ट और आखिरी पार्ट है, इसको जरूर देखिए, और आप लोगों को देख के मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं आपको हम चौथे पार्ट में दोस्तों, देखिए।